देहरादून की यातायात व्यवस्था के प्रभावी सुधार के लिए एक नई पहल की शुरुआत की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मुंबई की आइडिया फॉर्ग टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी से अनुबंध किया है। उक्त अनुबंध के तहत कंपनी नगर क्षेत्र के सभी मुख्य मार्गों पर हाईटेक ड्रोनों की सहायता से लगातार निगरानी की जाएगी। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों, अस्थायी अतिक्रमण पर नजर रखते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त नगर क्षेत्र में निकलने वाली शोभा यात्राओं और जुलूसों की नियमित मॉनिटरिंग भी उक्त ड्रोनों से की जाएगी। शुरुआत में पुलिस कार्यालय देहरादून और ISBT स्थित कंट्रोल रूम से 2 ड्रोनों का संचालन किया जाएगा। इस दौरान उक्त सभी मार्गों पर हो रही प्रत्येक गतिविधि पर आसमान से नजर रखी जाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने फ्लाइंग हॉक का विधिवत शुभारंभ किया है और इसके साथ ही उक्त ड्रोन के माध्यम से चिन्हित किए गए क्षेत्र की विधिवत मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी गई है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। व्यवस्था और शहर में निकलने वाले जुलूस, धरने, प्रदर्शन, अस्थायी अतिक्रमण सबको एक टोटल रूप में व्यवस्थित कैसे किया जाए, कैसे उसकी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटरिंग की जाए, इस पर लगातार ट्रैफिक पुलिस इस पर वर्क कर रही है। और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसमें पहले हमने ट्रायल के तौर पर जो ड्रोन के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग करने का सिस्टम सोचा गया था, जो मुख्यालय स्तर से निर्देश थे इसमें, और इसके बाद लगातार इन चीज़ों को ट्रायल किया गया और उसमें कुछ कमियाँ थी उसको अपने पुलिस के हिसाब से हमने उसको R&D करा के उसको चेंजेस कराया। और आज का विधिवत जो है टाटा ये आइडिया फोर्ज कंपनी है, मुंबई की आइडिया फोर टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी है मुंबई की, उनके साथ आज विधिवत जो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है जो अभी 6 महीने के लिए किया गया है। और जो परफॉर्मेंस लेवल रहेगा, जिस हिसाब से चीज़ें हमारे पास आएंगी तो उसके डेटा के हिसाब से उसको आगे भी बढ़ाया जाएगा।